Hello my students, I hope you like the last class. The class is about the drawing basic shapes. Today we will start with the new class. The new class is all about how we can make drawing from shapes. So you can look that I have drawn these kind of shapes. From these shapes we will draw drawings. So I'll give you two options. You can choose which one is easy for you and try to practice it. Okay, now let us start with the triangle. So the first we're drawing the watermelon piece. So first I will make one triangle like this. So do step by step. This is one triangle. So this triangle you have to draw in light. Okay, don't draw it dark. You have to draw light triangle. Okay, now for watermelon piece, first you make some curve here. Okay, now the reference triangle, I erase this line. Now make one more curve like this. Okay, now this watermelon piece is final. Now you can do it dark. Okay, फर्स्ट जो वाटरमेलन के लिए जो रेफरेंस ट्राइंगल बनाया था वो ट्राइंगल आपको हल्का बनाना है, देन आपको उसमें वाटरमेलन का पीस बनाना है. जब फाइनल हो जाएगा तो पूरा ट्राइंगल डार्क कलर से बनाना है. उसके बाद उसके अंदर छोटी छोटी सीड्स बनानी है लाइक दिस. सो दिस इज़ ईजी. आप ट्राई करके देखें और कोई भी डाउट रहा तो मुझे बताइए. नेक्स्ट वी स्विच, हम एक चीज़ बनाएंगे, चीज़ का पीस. सो यह आई एम ड्रॉइंग अ ट्राइंगल लाइक दिस, देन स्टैंडिंग लाइन like this, then one slipping line like this. पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ किया और उसको 3D मैनर में बनाया. इसको हम एक चीज़ के स्लाइस जैसा बनाएंगे. सो हियर आई इरेज सम लाइन, देन हियर यू हैव टू डू इट लाइक दिस और सी, देन मेक स्मॉल सर्कल, रैंडम सर्कल्स एंड डिटेल लाइक दिस. नाउ दिस इज़ अ पीस ऑफ अ चीज विथ ट्राइंगल. सो आप ये ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो. सी अगर आप अपने बच्चों को पेरेंट्स इस टाइप से बना के देंगे, एक अच्छा सा प्रेजेंट करके देंगे, लाइक लाइंस करके देंगे, ट्राइंगल्स देंगे, तो उनको भी ऐसे ड्राइंग करने में इंटरेस्ट आएगा. नाउ वी विल स्विच विथ स्क्वायर. सो फॉर स्क्वायर, फर्स्ट आई मेक वन स्क्वायर, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. Now I make square. अगर आप last video अच्छे से practice करेंगे, अच्छे से shape को practice करेंगे, तो आपका square, circle, rectangle सब proper आएगा. Then we will make curve like this. We will not join it. Keep some distance between both of these. Then another small curve inside that curve. Then we will make sleeping line. Okay, then for this I'm making a circle
then a standing line, then a sleeping line. So like these आप ये lock बना सकते हो. Okay, with a square, अगर आप 3D में कुछ बनाना चाहो तो आप एक डाइस, एक क्यूब बना सकते हो. सो कैसे बनाएंगे? इसके लिए आप फिर से एक स्क्वायर बनाएं. लुक इट वेरी केयरफुली. जिन बच्चों को डिफ़िकल्ट पड़े, जो बच्चे 4 to 6 ईयर्स के एज में हो, आप ये ताला बना सकते हो. और क्यूब के लिए मैंने एक स्क्वायर बनाया. जो बच्चे 7, 8, 9, 10 ईयर्स के हो, अप टू 15 ईयर्स, वही क्यूब ट्राई कर सकते हैं. देन मैंने यहाँ पे हल्का सा एक पॉइंट लिया और सेकंड जो एल है वो कुछ इस तरीके से बनाया. ये जो स्क्वायर है मैंने हल्का बनाया है. देन आई विल जॉइंट दीज लाइन्स. देन ये बनने के बाद आप चाहो तो इसे मिटा सकते हो, या आप एज इट इज क्यूब रख सकते हो. अब फॉर ड्राइंग मैं इसमें कुछ सर्कल्स डाल दूंगी. जो डाइस होता है खेलने वाला, जो क्यूब होता है जिससे हम लोग खेलते हैं, ये वो वाला है. सी लुक. सो आप इस तरीके से क्यूब भी बना सकते हैं, लॉग बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं. नाउ वी विल स्विच टू अनदर शेप. सो आवर नेक्स्ट शेप इज रेक्टेंगल. सो विथ रेक्टेंगल, अगर आप 2D में निकालना चाहो तो आप एक एनवेलप निकाल सकते हैं. बहुत ही सिंपल है. स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्लीपिंग लाइन. देन वॉट डू यू हैव टू मेक स्लैंटिंग लाइन लाइक दिस, देन अ लिटल कर्व टू जॉइन दैट. ओके, इस तरीके से आप एनवेलप का माउथ कर सकते हैं. सो दिस इज वन एनवेलप, अ सिंपल एनवेलप विथ रेक्टेंगल. फिर रेक्टेंगल से अगर आप 3D में कुछ बनाना चाहो तो आप एक हाउस बना सकते हो. आप एक रेक्टेंगल बनाएं, फर्स्ट एक रेक्टेंगल बनाएं. सी अभी भी मैं बोल रही हूँ कि आपको लास्ट क्लास को शेप्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सो दैट आपकी जो लाइंस बने वो सब क्लियर बने और स्ट्रेट बने. ओके, नाउ व्हाट टू डू, we will make slanting lines like this. Okay, then we will make one triangle here. See, like this. Then we will join the Now make one circle here, two standing line, and make a door here. Now make small rectangles for windows. So you can make small rectangle here for windows. You can make slanting lines for roof like this. You can even give curves, alternate curves. Okay,
like these. So this is one simple house with rectangle, an envelope with rectangle. Then we will switch with the another shape, and that is circle. So with the circle, make one circle. So with this circle, you can make a ball. You can make a straight line, curve inside the circle, and a sleeping line like these. Now with circle you can make C, make a circle like these. Okay, take a center point. So from here make one C, make one C. Okay, one C from this side, one C from this side. Now make a center from here and make a curve here. One curve above the this, and then you can make, this is a teapot, and make handle here like a C. So this is a teapot. You can even make one teapot from circle. You can make a ball or you can make a teapot. You can make a circle, take a center from a point, then from there you make C, then a straight line, a jar top, a teapot top, a handle, and these. Now with semicircle you can make a mirror. With semicircle you can make one umbrella. Okay, we will make one open umbrella. So first this is a semicircle, then take a center point, make one line straight, make curve here, also make curve. Okay, then make another curve. See, like this you have to make curves. On the top of it, like these. Take a straight line, then make J and join it. So like this you can make umbrella. Okay, a open umbrella. Or with semicircle you can make a tortoise, make a semicircle like this, see, and then here in between slanting line, here also slanting line, then from here make a face like this. Okay, now two eyes and a small mouth like this. Now you can make his
small legs like these, and a small tail like these. So see, look, these are some of the simple, you know, drawings with sheep. You can try these drawings. We will do coloring in our next class. Okay, I hope you like the video. I hope you like the drawings. 5 to 15 years, just start with these drawings. Okay, thank you.